नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए फिर एक नई वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी क्या होती है और ये कैसे काम करती है और इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो यही आज हम सारी डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सारी मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं पोर्टेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि पोर्टेबिलिटी होती क्या है। तो जैसे आप अपना मोबाइल नंबर, आप कभी भी आपने अपना मोबाइल नंबर भी पोर्ट कराया होगा एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में, तो क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो सेम रहता है और आपको जो है नई कंपनी की सर्विसेज मिलने लग जाती हैं। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो पोर्टेबिलिटी होती है वो आपके जो पहले के बेनिफिट्स हैं उस पॉलिसी में जो आपने अर्न करे हैं, जैसे आपने वेटिंग पीरियड वहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जैसे कुछ बीमारियों का वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है, जैसे कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हो गया, किडनी स्टोन्स हो गए, तो इस तरीके की काफ़ी सारी बीमारियां होता है जिनका जो है वेटिंग पीरियड 2 साल के बाद आपको मिलता है। तो यहां पर अगर आप पोर्टेबिलिटी करा लेते हैं, मान लीजिए आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 4 साल से जो है आपके पास पॉलिसी चल रही थी और आप नई इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाते हैं, तो आपको day 1 से वो सारे कवर वहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, यही होता है पोर्टेबिलिटी। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये है, यू कैन स्विच योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर इंश्योरेंस विदाउट लूजिंग योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी बेनिफिट, कि मतलब एक इंश्योरर से आप दूसरे इंश्योरर के पास आ सकते हो और आपके जो बेनिफिट्स आपने कमाए थे उसका भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी क्यों कराते हैं। तो देखिए, आपने हो सकता है पहले कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी हो, उसकी सर्विसेज बहुत बेकार हैं, आपको सर्विसेज अच्छी नहीं लग रही हो, या हो सकता है उस पॉलिसी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो, या हो सकता है उस प्लान के अंदर बेनिफिट्स बिल्कुल बेकार हों या अच्छे ना हों, और आज की डेट में नए नए बेनिफिट्स वाले प्लान आ गए हों, आप चाहते हों कि भाई मैं नए वाले प्लान के अंदर स्विच कर जाता हूँ नई कंपनी के, तो आप वो आराम से कर सकते हो। दूसरा, हो सकता है आपकी पॉलिसीज के अंदर काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशंस के साथ रिस्ट्रिक्शंस हों, कि जैसे कि आपको रूम रेंट की कैपिंग 1% मिलेगी, आपको ICU 2% से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको जो है कैटरेक्ट की इलाज की लिमिट ये मिलेगी। तो बहुत सारी बीमारियों पे कुछ पुरानी पॉलिसीज होती थी तो उनके अंदर कंडीशन हुआ करती थी, तो आप अगर चाहते हैं कि वो कंडीशंस भी आपकी पॉलिसी में ना रहे तो आप नई हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी कंपनी के अंदर उसको पोर्ट कर सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिसके बारे में आप समझ ना पा रहे हो या आपको लग रहा है कि ये अननेसेसरी है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। या आपके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे आपने किसी यार दोस्त को देखा है कि भाई उस कंपनी का मेरे पास भी इंश्योरेंस है तो उनकी सर्विस बहुत ज़्यादा सही नहीं है, उनका क्लेम नहीं मिला है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पर्सनल लेवल पर होती हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको उस कंपनी को स्विच करने के लिए। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं हम कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी के अंदर जो है होनी चाहिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा पोर्टेबिलिटी जब भी होती है जब आपका रिन्यूअल्स का टाइम नज़दीक होता है, तो आपको ये 45 दिन के पहले अपने रिन्यूअल डेट से अप्लाई करना होगा। तो अगर आपकी डेट जो है रिन्यूअल की बिल्कुल पास आ गई है, 2-4 दिन ही बचे हैं, तो हो सकता है आप पोर्टेबिलिटी ना भी करा पाएं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉन मेडिकल केसेस की, कि कई बार क्या होता है कि जो नॉन मेडिकल केसेस होते हैं उसके लिए कंपनी 7 से 10 दिन में भी आपके प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हमें 45 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आप यंग हैं और मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो वहाँ पे कंपनी 7 से 10 दिन के अंदर भी जो है आपकी पॉलिसी को पोर्ट कर सकती है। अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो आपकी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है, डेट उसकी निकल चुकी है, ठीक है, तो आपकी पॉलिसी यहाँ पोर्ट नहीं हो पाएगी। और इसी तरीके से अगर आपकी पॉलिसी ग्रेस पीरियड में जा चुकी है, यानी एक्सपायर होने के बाद जो 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है आप अगर उसमें पहुँच चुके हैं, तब भी जो है आपकी पॉलिसी पोर्ट नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको साथ ही साथ सारी जो भी आपकी पुरानी बीमारियाँ हैं वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी नए इंश्योरर पे। तो यहाँ पर जो नया इंश्योरर होगा वो सारी टर्म एंड कंडीशंस अपनी नई पॉलिसी के हिसाब से देखेगा, और नई पॉलिसी के हिसाब से जिस तरीके से नए ग्राहक से मेडिकल टेस्ट कराए जाते हैं, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, उसी तरीके से आपसे यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं पोर्टेबिलिटी में।
कंपनी की तरफ से भी और एक आम कंज्यूमर की तरफ से भी। तो देखिए जो सबसे पहला फ़ायदा है दोस्तों एक कंज्यूमर को, वो ये है कि 2 साल का यहाँ पर एक वेटिंग पीरियड होगा जो कि वेव हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 1 साल की पुरानी पॉलिसी चलाई है और कुछ बीमारियों का वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है, तो आपको नई वाली पॉलिसी के अंदर वो वेटिंग पीरियड 1 साल का मिलेगा। ठीक है, यानी 1 साल के बाद आपकी वो पॉलिसी में वो बीमारियां भी कवर हो जाएंगी। और अगर आप मान लीजिए 2 साल या 3 साल या 4 साल से वो पॉलिसी चलाते आ रहे हैं, तो जितने भी वेटिंग पीरियड हैं 2 साल के या 3 साल के, वो नई पॉलिसी में जैसे ही आप आएंगे वो वहां पर डे वन से कवर हो जाएंगे। यही दोस्तों सबसे मेन बेनिफिट होता है पोर्टेबिलिटी कराने का। दूसरा, हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव बोनस की। तो दोस्तों बहुत लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए मैंने 1-5 लाख की पॉलिसी ली हुई थी और मेरा वहाँ पे क्यूमुलेटिव बोनस मिला के हमारी 7 लाख की हो गई है, क्या हमारे को नया इंश्योरर वो 7 लाख की पॉलिसी देगा? तो दोस्तों देखिए मार्केट में बहुत सारे इंश्योरर ऐसे हैं जो कि आपके क्यूमुलेटिव बोनस को भी ऐड कर लेते हैं और आपका जो है वहाँ पर भी क्यूमुलेटिव बोनस जो है 5 लाख प्लस 2 लाख की पॉलिसी के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं इंश्योरर जो नहीं करते। तो जब भी आप कोई पॉलिसी पोर्ट कराने जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे आप जाके जाने से पहले ये समझ लीजिए कि क्या मेरा जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। दूसरा, हो सकता है आपकी जो 5 लाख की पॉलिसी है, आप चाहते हैं कि भाई मैं वहाँ पे 7 लाख की या 10 लाख की पॉलिसी करा लूँ तो मेरे लिए फैमिली के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर ये बात भी समझ लें कि जो भी आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़वाएंगे वहाँ पे, मान लीजिए मेरा 5 लाख का था और अब मैं 7 लाख की पॉलिसी लेना चाहता हूँ, तो जो 2 लाख के आपका एडिशनल सम इंश्योर्ड जो आपने लिया है उसके ऊपर भी वेटिंग पीरियड अप्लाई होगा, जैसे कि नई पॉलिसी में होता है। जैसे 2 साल का वेटिंग पीरियड या अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है 3 साल का वेटिंग पीरियड, तो जो नया वाला सम इंश्योर्ड है यानी 2 लाख रुपये उस पर वो अप्लाई होगा। पहले का जो 5 लाख रुपये है आपको उन बीमारियों के लिए जिनका वेटिंग पीरियड है 5 लाख रुपए तक जो है आपको पूरा खर्चा मिल जाएगा। अगर आपको वेटिंग पीरियड के बारे में और ज़्यादा समझना है तो मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, तो जिससे आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी में किस तरीके के वेटिंग पीरियड होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों एक ऑप्शन, एक हमारे पास एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम इंडिविजुअल पॉलिसी को एक फैमिली फ्लोटर में बना सकते हैं। मान लीजिए किसी हस्बैंड और वाइफ की इंडिविजुअल पॉलिसीज जो हैं वो अलग अलग चल रही हैं और उनका जो है टाइम यानी जो रिन्यूअल का डेट है वो लगभग एक जैसी ही है, तो आप यहाँ पर उस पॉलिसी को, इंडिविजुअल पॉलिसी को यहाँ पर फ्लोटर में मर्ज कर सकते हैं, यानी अब वो एक ही पॉलिसी में दोनों आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास फ्लोटर पॉलिसी चल रही है और आप अब चाहते हैं कि नहीं मैं अलग अलग इंडिविजुअल सबका सम इंश्योर्ड लेना चाहता हूँ, तो आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अगर आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हुआ है तो आप इस पॉलिसी में रिन्यूअल के टाइम पे, यानी जब आप रिन्यूअल टाइम आ रहा था या तो जब आप करा सकते थे, नहीं तो आप अगर पोर्टेबिलिटी करा रहे हैं तब भी आप नए फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं। वो ऐड जो एडिशन जो भी होगा वो नए इंश्योरर के टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा। यानी अगर वेटिंग पीरियड लगेगा क्योंकि वो नया मेंबर है, उसके लिए 2 साल का या 3 साल का जो भी उस पॉलिसी में कंडीशन है, तो वो वेटिंग पीरियड उनको सर्व करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज है, यानी मान लीजिए आपको कोई कभी स्टंट पड़ गया या कोई मान लीजिए हार्ट अटैक आया था या और कोई मेजर आपको प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है जो नया इंश्योरर है वो आपको प्रपोजल देने के लिए आपको डिक्लाइन भी कर दे कि नहीं मैं आपकी पॉलिसी नहीं बना सकता क्योंकि हमारी जो गाइडलाइंस हैं अंडरराइटिंग की उसमें आप फिट नहीं बैठते। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आपकी कोई बीमारी है या नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया जाता है, जब भी आपसे 30 दिन 35 दिन 40 दिन या 45 दिन का टाइम मांगा जाता है। तो दोस्तों अगर मैं ये यहाँ पे बात करूँ कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नया इंश्योरर है तो उनके लिए एक ये लेस प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए 2 साल का वेटिंग पीरियड आप किसी और कंपनी में पूरा करके आए हैं, अगर उन 2 साल में वो बीमारी आपको कोई भी डिटेक्ट होती तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देती क्योंकि वहाँ पे 2 साल का वेटिंग पीरियड था। लेकिन यहाँ पर आप नई कंपनी के अंदर आए हैं और आपको डे वन से सारी बीमारियों का कवर मिल रहा है, तो ये नए इंश्योरर के लिए थोड़ा सा वहाँ पे जैसे ही आपका क्लेम आएगा तो उस कंपनी को क्लेम पास करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पर जो है इंश्योरेंस के लिए, नई वाली इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये थोड़ा सा लेस प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। इसलिए हमेशा जो कंपनियां होती हैं वो चाहती है कि हमारे पास नया कस्टमर, नया बिजनेस आए, वो कम फोकस करती हैं पोर्टेबिलिटी केसेस पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आई है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।
और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।